हेलो गाइस, मैं हूं अंकित गेरा और आज हम बात करने वाले हैं हनी हनी के स्ट्रोलर और कार सीट के बारे में। कमिंग आउट ऑफ द कार सीट, आप देख सकते हैं कि रिहान आराम से बहुत मजे में बैठा। जरूरी नहीं है कि इस कार सीट को आप सिर्फ कार में ही अटैच करें। ऑल्सो अगर आप अपने बेबी को एक अच्छी पोजिशन देना चाहते हैं, एक अच्छा रेस्ट देना चाहते हैं, कम्फर्टेबल पोजिशन देना चाहते हैं, सो दिस इज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया टू हैव इट। जब रिहान होने वाला था उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी और उसमें वन ऑफ द मेजर थिंग ये थी कि जब हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम लोग कभी बाहर जाएंगे, शॉपिंग पर जाएंगे, सो क्या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है जिसमें हमारा बेबी आराम से रहे एंड सो सके, बैठ सके, रिक्लाइन हो सके या लेट सके। सो आई चेक लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल, बट हनी हनी का जब मैंने ये स्ट्रोलर देखा था सो आई गॉट रियली रियली इम्प्रेस्ड। अगर आप धूप में जाते हैं या अगर बारिश भी होती है, सो इट हैज़ दिस शेड विच इज़ वेरी नाइस एंड ऑल्सो आपको इसमें बहुत लार्ज स्टोरेज स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। एंड प्लस बॉटल एक ऐसी चीज़ है मिल्क की जो बहुत ही हैंडी होनी ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फॉर योर एडजस्टमेंट्स ऑल्सो यू कैन यूज़ इट लाइक दैट। सो गाइस, कमिंग ऑन टू अ वेरी मेजर पॉइंट, आप बेबी को लेकर जब कार में ट्रैवल करना चाहते हैं, देर आर टू थिंग्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो किस चीज़ में आप बेबी को कैरी करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को कैसे संभाल के कार में रख सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कार सीट तो दिस इज डेफिनेटली देयर ऑन द रियर एरिया ऑफ द कार। अदरवाइज अगर आप ये स्ट्रोलर लेके जाना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से एडजस्ट करके अपने बूट में बहुत कंफर्टेबली डाल सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सी दिस हैज द स्पेस टू पुट द सीट बेल्ट ऑन। अगर आप कार में इसको यूज करना चाहते हैं तो इट्स वेरी 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 कन्वीनियंट टू इवन यूज इट इन द कार। इवन इफ यू नॉट ट्रैवलिंग, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव योर बेबी टू बी सिटिंग एंड हैविंग समथिंग जस्ट लाइक अ चेयर, लाइक अ रॉकिंग चेयर, यू कैन यूज इट। बिकॉज सिंस इसमें थ्री डिफरेंट पोजिशंस होती हैं, सिटिंग, स्लीपिंग एंड रिक्लाइनिंग ऑल, तो उसमें बहुत ही एक कंफर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आपके घर पे टू हैव योर बेबी अराउंड। अब आते हैं कंफर्ट को लेके, कंफर्ट एंड सेफ्टी। अगर आप कंफर्ट देखेंगे तो ही नेवर क्राइड ऑन दिस एंड ऑल्सो दिस थिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। और इसमें जो ये अटैचमेंट्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ टू एक्चुअली टाई योर बेबी ऑन अ वेरी सेफ्टी पोजिशन एंड दिस इज़ द शॉक एब्जॉर्प्शन टायर, जिसमें अगर आप बम्पी राइड पर भी जाते हैं सो द बम्पी राइड इज़ नॉट वेरी वेरी बम्पी। प्लस इसके साथ अगर आप किसी स्लोपी एरिया पे हैं सो दिस हैज़ अ ब्रेक, यू कैन सी हियर। सो अगर आप किसी स्लोपी एरिया पे हैं सो यू डोंट नीड टू वरी कि ये स्ट्रोलर स्ट्रोल होकर कहीं और कभी नहीं जाएगा इफ़ यू पुट ऑन दिस ब्रेक। सो अगर आप पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सो ऑल वी थिंक अबाउट इज सेफ्टी फर्स्ट। सो अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं सो बोथ द प्रोडक्ट्स हैव वेरी 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 गुड सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल इन इट। एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है, इसमें भी 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है जिसमें आपकी बेबी को जर्क नहीं लग सकता है। प्लस इवन इफ यू डोंट वांट टू कैरी इट इन द कार, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी कंफर्टेबल टू कैरी योर किड लाइक दिस बिकॉज आई लव टू कैरी रिहान लाइक दिस अ लॉट। हनी हनी ने मेरे दोनों हनीस यानी राशि एंड रिहान की जरूरत पूरी की। गो चेक आउट देयर वेबसाइट एंड डोंट मिस आउट ऑन देम एज यू स्टार्ट योर पेरेंटिंग जर्नी। हैप्पी पेरेंटिंग।